मेरा ये सातवां सोलो शो है. मैं पिछले 19 साल से काम कर रहा हूँ नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से. मैंने अपना बैचलर किया है स्कल्पचर के अंदर और मैं स्कल्पचर ही के शो ज़्यादातर करता हूँ. अनकही हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के उन वाक़यात उन हालात पे बेस करता है जो कि जिस तरह से माहौल में तब्दीलियाँ आ रही हैं. तो ये पूरा शो काफ़ी सारे नए मीडियम के साथ बनाया गया है और इसमें सबसे अच्छी बात ये कि एक स्कल्पचर के शो बहुत कम होते हैं. तो पूरी कोशिश की है पिछले, ये मेरा शो 3.5 साल बाद मैं कर रहा हूँ, तो 3.5 साल से मैं कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से किसी नए मीडियम को एक्सप्लोर करूँ. तो इसमें 3 नए मीडियम्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि एज अ स्कल्पचर एज अ टीचर ये बड़ा ज़रूरी है कि आप कोई ऐसी नई चीज़ों के साथ काम करें जो आपके स्टूडेंट को आपके व्यूअर को इंस्पायर करें, या ऐसी बात आपके काम में होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं सोसाइटी में कोई ना कोई बहस उसके साथ शुरू हो जाए और लोग उसको लेके आगे चलें. आज मुनव्वर अली सैयद का शो है कैनवस गैलरी में और इसका टाइटल अनकही है. ऐसी चीज़ें जैसे आप ये देख रहे हैं, ये एक बफलो यहाँ है जो उन्होंने टॉयज से बनाई है, जो खिलौने हैं, जो प्लास्टिक कंज्यूमरिज्म एक हर चीज़ की एक इंतहा है, ग्रीड की एक इंतहा है, उससे ज़रूरत की चीज़ें बनाई हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग आर्टिस्ट हैं जो कि बहुत सालों से काम कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं. शो जो है इंटरेस्टिंगली एक ऐसे टाइम के ऊपर आ रहा है, गाय और भैंसे हैं और बकरीद का टाइम भी आ रहा है. कैनवस गैलरी पर हैं जहाँ पे मुनव्वर अली सैयद का एक पूरा शो स्कल्पचर का लगा हुआ है. स्कल्पचर बहुत कम लोग पाकिस्तान में कर रहे हैं और जिनमें से मुनव्वर एक हैं, और ये उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग शो है जिसमें सॉर्ट ऑफ मिक्स मीडिया काम किया हुआ है. कुछ फाउंड ऑब्जेक्ट के साथ है, मेटल में है और कुछ रेजन में, फाइबर ग्लास में. और आई थिंक उनका मेन जो दो एलिमेंट जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट है. एक उन्होंने जो भैंस का सिंबल यूज़ किया है और एक किताब.